हाय गाइस। भाई अभी एक सीन हो गया है मेरे साथ। भाई मेरा जो ड्रोन है ना, पहली बार नहीं हुआ जो कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ ड्रोन को। ज्यादा बुरा लगा भाई, जो डॉग है टकोरपट जो गूगल आंटी ना भटका देती है भाई, यहाँ के बाद यहाँ पे एंड ही दिखा रहा है। मतलब मैप ऐसे भी, मैप में अभी कुछ दिखा ही नहीं रहा है भाई। फिर जंगल का रास्ता, मतलब किधर जाएंगे, किधर जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लग रहा है शायद डॉग डैम। हाय हेलो नमस्ते गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। भाई लोग आज हम जा रहे हैं एक डैम एक्सप्लोर करने के लिए। उस डैम का जो नाम है डह डैम, उड़िया में डह गाई बोलते हैं। तो भाई वो जो डह गाई है, वो जो डह डैम है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से करीब हमारे घर से, गांव से करीब 50 किलोमीटर तो होता है, क्योंकि वो जो डह डैम है वो पड़ता है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। वो जो डह डैम है बंधनगर से करीब 15-16 किलोमीटर के दूर में है, जो कि एक अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। वहाँ पे आप जाके चिल मार सकते हो। मैं तो कभी गया नहीं, आज पहली बार हम जा रहे हैं। यानी मेरे जो कज़न है राम भाई, उनके साथ हम जाएंगे। तो उनको मैं रेडी होकर निकलने के लिए कह दिया था, तो वो अभी रेडी हो चुके होंगे शायद, और वो कलिंगा में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट कलिंगा में। हाय गाइस, तो भाई हमारे कलिंगा घाट में इंतज़ार किए थे, उनको मैं बोला था वो विश्रामगार जो है, जो रेस्ट हाउस, वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए। लेकिन वो घाट में आकर यहाँ पे चलते चलते आके यहाँ पे इंतज़ार किए थे। तो भाई चलते हैं और देर नहीं करेंगे, चलते हैं देखने के लिए। और ऐसे भी अभी 3:18 हो रहा है भाई, हमें जैसे भी वो 4 बजे के अंदर वहाँ पे पहुँचना है, और 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमें उस जगह को थोड़ा बहुत कवर तो करना है, एक्सप्लोर करना है। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं। ये लो भाई तुम्हारा ये कैमरा बैग ले लो। तो भाई खाना खा लिए थे घर में? हाँ, तो चलो भाई देखेंगे, हमारा चिल करेंगे दोनों भाई आज मिलके। ठीक है। भाई आज का जो वेदर है ना, एक नंबर क्लाउडी वेदर भाई, मज़ा आ गया। मतलब ये वेदर देख के ही मेरा मन में आया कि चलो थोड़ा दूर चलते हैं कहीं पे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और ऐसे भी तो भाई आए हैं और भाई के साथ ही चलेंगे। तो हम जो भाई है ना भाई, हम जो मेरे जो कज़न है राम, उनके साथ मेरा जो बॉन्डिंग है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का बॉन्डिंग है। ऐसे सिचुएशन में मुझे हेल्प किए हैं भाई, मैं कभी भूल नहीं सकता भाई। जहाँ पे लोग हमें, मतलब हमसे दूर हो रहे थे, वहाँ पे ये मेरे जो कज़न है ये मेरे साथ खड़े थे भाई। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे रोड पे राइड किया हूँ, लेकिन घाट सेक्शन में राइड करने का मज़ा ही कुछ और है भाई, नेक्स्ट लेवल। आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना भाई, यहाँ पे हाई हो जाता है भाई। और जो आप एंजॉय करते हो, ये व्यू वगैरह, ये व्यू सब एकदम से वर्थ है भाई घाट सेक्शन में। भाई अभी एक सीन हो गया है मेरे साथ। भाई मेरा जो ड्रोन है ना भाई, मैं घाट सेक्शन में सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए भाई फ्लाई कर रहा था। जो ट्रैक कर रहा था, मुझे फॉलो कर रहा था। अचानक क्या हुआ भाई, उसका जो सेटिंग कुछ बिगड़ गया। वो आया एक महल के हाइट पाया जाकर, वो जो चट्टान है ऊपर, उसके ऊपर ऐसे घुस गया भाई। मेरा जो दिल है ना भाई, ऐसा धड़का ना भाई, किसी को पहली नज़र में किसी को ऐसे देख के भी नहीं धड़का होगा, ऐसा धड़का भाई। ऐसे घुस गया, उसको ऊपर में ट्रैक करके गया। बहुत डिफिकल्ट था भाई ऐसे चढ़ना भाई, वहाँ पे कोई सपोर्टिंग भी नहीं था भाई। जैसे तैसे करके ऊपर ट्रैक करके गया भाई, वहाँ पे मेरा आधा घंटा लॉस हो गया भाई उस ड्रोन को लाने में। और सबसे जो बड़ी बात है भाई, मेरा जो ड्रोन है वो बच गया भाई। ये पहली बार नहीं हुआ जो कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ ड्रोन को। हाँ, मैं खुद अगर फ्लाई करके क्रॉस करता वो अलग बात है, लेकिन जब भी हम उसे एक ऑटोमेटिक कुछ
देते हैं उसको फॉलो करने के लिए भाई, वो सबसे गड़बड़ हो जाता है। भाई पहुंच गए हम मुजागढ़ में। मुजागढ़ से हमें यहाँ से मैप में दिखा रहा है राइट लेना है। तो भाई यहाँ पे कहीं पे तो एक जो गली होगा जिससे हम राइट लेंगे। चलो 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 चलो, ये वाला रोड बस आगे है। तो ये जो रोड है ना, जो मुजागढ़ होते हुए इस रोड में हम जो जा रहे हैं गांव के होते हुए, इधर एक गांव है डांगुआपल्ली करके। भाई मैं उस गांव में आया हूँ। दो गांव इसलिए सब लोग जानते हैं कि थोड़ा इन्फो है दे देता हूँ आप सबको। आपका अगर हड्डी जॉइंट हो, किसी भी अगर जॉइंट हो और अगर अलग हो गया हो तो उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। वो उनका एक या तेल या कुछ ऐसे गरम करके वो सेक, एक तरह का सेक देते हैं तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही 3-4 बार आना पड़ता है यहाँ इस जगह को। तो ज़्यादातर यहाँ के आसपास के जो लोग हैं दूर गांव से भी आते हैं। तो एक बार मैं मेरे जो कज़न को लेके आया था यहाँ पे, और जो गांव है डांगुआपल्ली, इस रोड से आप सीधा चले जाओगे और किसी को भी अगर पूछ लोगे ना आप, वो सब आपको बता देंगे। तो ये था इन्फो इस जगह के बारे में। अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ होता है सीन तो आप इधर आ सकते हो। 10 दिन के अंदर आपको आना तो पड़ेगा अगर जॉइंट अलग हुआ है। जो मैं उनसे जानता था वो आपको बता दिया। डैम है ना भाई, यहाँ से कुछ दिखा रहा है भाई। जो डॉग है टकोर पड़े आगे आगे रे। और ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। तो भाई उन भाइयों से जो डॉग डैम के बारे में पूछ रहे थे, देखो यहाँ पे कभी कभार मैप भी ना जो गूगल आंटी ना भटका देती है भाई रोड्स वगैरह। यहाँ के बाद यहाँ पे जो रोड है ना एंड दिखा रहा है। 7 किलोमीटर तो दिखा रहा है लेकिन कर भी क्या सकते हैं। चलो भाई एक्सप्लोर करने आए हैं। बड़े एक्सप्लोरर बन रहे थे भाई, जो भी हैं भाई बन रहे थे और रास्ता भटक रहे हैं। तो मैप आज के डेट में मैप है, सब कुछ है, फिर भी सही से अपडेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ के बाद यहाँ पे एंड ही दिखा रहा है, मतलब मैप ऐसे भी मैप में अभी कुछ दिखा ही नहीं रहा है भाई। ऐसे लोकेशन पे आओगे तो भाई समय लेके आना पड़ेगा भाई। मैप के भरोसे भाई बिल्कुल भी किसी जगह को जाना नहीं चाहिए भाई। गूगल एंटी को और एक बार सेट करा तो भाई अभी वो जो डिस्टेंस दिखा रहा है ना भाई, 9 किलोमीटर है, 9.8 किलोमीटर है। जो पहले दिखा रहा था ना 7 पॉइंट कुछ दिखा रहा था। और पीछे कुछ भाइयों से भी हमने पूछा जो डह जो डैम है, तो वो बोले कि ये जो कैनल है इस कैनल के होते हुए आपको जाना है, आपको आपका जो डैम है वो मिल जाएगा। तो चलो भाई इस कैनल के किनारे किनारे ही चलते हैं। और जो रोड का हालत भी तो देख सकते हो भाई, ये मिट्टी वाला रोड है, उबड़ खाबड़ रोड। तो भाई देखो ये रास्ते ही ख़त्म नहीं हो रहे भाई, अभी टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। क्या रस है भाई, क्या एडवेंचर है भाई आज भाई। इस जंगल का रास्ता मतलब किधर जाएंगे किधर जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। जिधर भी मतलब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उधर का जो मैप का जो रोड एक्टिवेट हो रहा है वो साला हमको फिर से घुमा के उसी जगह में आकर रख रहा है। तो भाई करे तो करे क्या भाई, ऐसे ही घूम रहे थे 2-3 बार ऐसे ही घूम लिए एक ही जगह में। और भाई मुझे पता नहीं था
ये जो गूगल आंटी है ना भाई, ये हमें लेके गए हैं भाई शमशान। भाई शमशान के पास में ऐसे जाके खड़ा हूँ भाई, ओह डैम आ गया बोला। देखते देखने के बाद पता चला कि भाई ये शमशान घाट है भाई, उसमें हम गाड़ी रख के खड़े हैं भाई। क्या बात है, क्या बात है, ये लग रहा है शायद डॉट डैम। हाँ भाई यही डॉट डैम, फाइनली भाई पहुँच गए भाई। भगवान को धन्यवाद, उन सब भाइयों को भी धन्यवाद। देखो यहाँ पे डॉट डैम लिखा है। ओ भाई आज जो सनसेट देखेंगे ना, यहाँ पे हम सनसेट देखेंगे। आप डैम देखो भाई, आगे चलकर आपको भी डैम में दिखाता हूँ। यहीं पे तो रुक के फोटो फोटो वगैरह लेंगे थंबनेल के लिए। उस साइड से हम एंट्री किए और आगे देखते हैं ये कितना दूर तक है। भंजनगर से अगर आप हो तो भाई आपके लिए वीकेंड डेस्टिनेशन मस्त है ये। वीक में कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। अगर इस जगह को आज हम अगर पहुंच नहीं पाते तो और भी बुरा लगता भाई। तो भाई इतने सारे स्ट्रगल और एडवेंचर के बाद हम फाइनली डोहाघाई में पहुंच गए भाई, डोह डैम में। तो डैम का व्यू थोड़ा आपको दिखा देता हूं, वाइड एंगल व्यू अभी है, मतलब गोप्रो के तो वाइड एंगल में मैंने अभी शूट कर रहा हूं, मतलब सुपर व्यू में एकदम वाइड में आप देख सकते हो। और भाई कैसा लगा भाई ड्रोन क्रैश हुआ और हम आकर इतने सारे परिस्थितियों के बीच आकर हम यहाँ पे पहुँचे, तो क्या लगा भाई बोल कुछ? ज़्यादा बुरा लगा ड्रोन के लिए तो। हाँ भाई ड्रोन के बारे में क्या बताऊँ भाई, ड्रोन जिस तरह से क्रैश हुआ तो एकदम इधर दर्द होती है इधर। आपको यहाँ का व्यू देखो भाई, क्या नज़ारा है। सनसेट अभी आगे देखो उस तरफ, अगर आप देख पा रहे हो तो। इधर आप देखो भाई पानी कैसा है इधर, और वहाँ पे एक नाव चल रहा है, वहाँ पे बहुत लंबा है भाई ये जो लेक है ना, वो जो ब्रिज है और रास्ता भी हुआ है रोड, तो बहुत ही लंबा है उस तरफ से लेकर उस तरफ लास्ट वहाँ तक, वहाँ पे तो हमारा आथरा खड़ी है। और इधर आपका व्यू दिखा देता हूँ भाई, देखो भाई ये इस तरह पानी जाने के लिए, देखो व्यू देखो भाई मस्त वगैरह। इस तरफ एक जो कैनल है जो पानी जा रहा है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई पानी कैसे जा रहा है, ये सब गांव की तरफ या कुछ कहीं पे तो जा रहा होगा ये पानी। अगर वो नाव इधर अगर पास में था तो बैठ के जाते हैं वहाँ पे, कुछ शॉट वगैरह लेते, मज़ा आता भाई। भाई का शूट चालू है भाई, आप अगर भाई आसपास के हो या दूर से भी हो तो भाई आओ इस लोकेशन पे आओ भाई, मस्त लोकेशन है। मुझे तो काफ़ी वर्थ लगा इतने सारे जो भी हुआ भाई। तो भाई जगह कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा लगा भाई। और अभी तो शाम हो रहा है, क्या अभी निकल जाएंगे यहाँ से? हाँ निकलना तो पड़ेगा। हाँ दूर से आया ना। हाँ भाई बहुत दूर से तो आए हैं, ऐसे मतलब ऐसे मेन रोड से अगर आते तो, मेन रोड तो नहीं है शायद, गांव के अंदर से आए तो बहुत ही लंबा हो गया हमारे लिए। 50 किलोमीटर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर भी इस जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो भाई जो भी हुआ आप देखें, और भाई ऐसे ही मतलब अगर देख रहे हो सपोर्ट बनाए रख रहे हो तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करो और चैनल को भी। भाई आज का अगर हमारा जो एडवेंचर जो भी हमारा स्ट्रगल रहा वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो भाई क्या करना वीडियो है? को लाइक कर देना भाई, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो। 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने के और कुछ ही सब्सक्राइब बाकी हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, हमारा फैमिली भी बड़ा हो जाएगा। तो भाई अगर इस जगह को आना चाहते हो ना भाई, बहुत जल्दी निकल के आओ। अगर दूर से आ रहे हो, अगर भंजनगर से हो तो आपको आने में इतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप आ जाओगे। लेकिन पास में टाइम रख कर ही इस जगह को आओ, बहुत ही अच्छा प्लेस है, पीसफुल प्लेस तो है भाई। तो भाई तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे अभी, ऐसे भी टाइम अभी हो रहा है 5:22। तो भाई राइड केयरफुली, राइड अगेन।
इस तरफ से एंट्री किया, मतलब आगे तो जाके थोड़ा ये कंप्लीट कर लेंगे देख के। बारिश के दिन में जो पानी यहाँ पे देखने के लिए मज़ा आता होगा। यहाँ पे भाई देखो क्या लग रहा है भाई, यहाँ से नीचे का व्यू देखो भाई मस्त है। वहाँ से थोड़ा आगे जाके घूम के चले आते हैं। अगर वो भाई अगर हमें नाव में बिठाते तो भाई मस्त थोड़ा शॉट लेते हैं वहाँ पे जाके, वो तो अपने काम में लगे हैं तो कोई बात नहीं। चलो भाई, और देखो सामने एक मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो स्मूथ चले भाई। अगर स्मूथ चलेगा तो भाई आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा आसानी से, तो भाई फ़ायदा क्या है। लाइफ में डिफ़िकल्ट लेवल भी रहना चाहिए, तभी जाकर आप स्ट्रगल करोगे और एडवेंचर से भरे रहेंगे, तो आपको अपने ज़िंदगी में वो सारे किस्से मिलेंगे सुनाने के लिए दुनिया वालों को। आपके पास आपका एडवेंचर स्टोरी भाई होना तो चाहिए। वैसे भी हम अभी जो डैम है, डहर डैम से भंजनगर 15 किलोमीटर है, तो यहीं से हम डायरेक्ट अभी जा रहे हैं जो भंजनगर के ओर, और भंजनगर में जाके फ्यूल फिलअप करेंगे, और फ्यूल फिलअप करने के बाद सीधा घर।